सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एडमिशन फॉर्म के बारे में जो कि है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट यानी NEST। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्या होता है। दोस्तों NEST एक एडमिशन फॉर्म है जिसका एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है आपको NEST से अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में और आपको 5 साल की इंटीग्रेटेड MSc की डिग्री दी जाती है। मतलब कि आपको इंटीग्रेटेड MSc आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके बारे में सबको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ कि इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ पे आइएगा, यहीं से सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं और यहीं से फॉर्म को भर भी सकते हैं जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा। और ये वेबसाइट है sarkarijobfind.com, इस पर जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को जरूर से देखा कीजिए, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। दोस्तों सबसे पहले नेस्ट के फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है पोस्ट नेम नेस्ट एडमिशन 2018 ऑनलाइन फॉर्म। अगर डेट्स की बात करें तो 1 जनवरी 2018 से फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट 5 फरवरी रखी गई है, फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 5 फरवरी ही रखी गई है, एग्जाम डेट जो है 2 जून को रखा गया है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 1000 रुपये, SC ST पेज के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। आपको फीस को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से पे करना है। टोटल सीट जो है 249 पोस्ट की वैकेंसी है, 249 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसमें NISER में 202 सीट और CEBS में 47 सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको NISER ये है मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, और ये और दूसरी वाली चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी CEBS, ये चीज़ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये मुंबई में सिचुएटेड है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे 10+2 पास्ट अपीयर्ड विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आर PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसमें एलिजिबिलिटी ये रखी गई है कि मतलब 12वीं पास हो या तो 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ हो तब फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट जो रखी गई है यहाँ पे 1/8/1998 के बाद आपका जो है जन्म होना चाहिए तभी फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको ये खुल जाएगा, तो ये सब चीज़ें क्लोज करके आप जो है यहाँ पे अपना नाम डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं आपको प्रोसेस के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, तो ये नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप पढ़ भी सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर हैं और सारी चीज़ें। यहाँ पे सिलेबस दिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस एडमिशन फॉर्म के बारे में सब कुछ चीज़ें पता लग गई होंगी। फिर भी आपको कोई सवाल है तो मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन होगी उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप जो है आगे की वीडियो देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज बनाते रहते हैं एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड और जो है वैकेंसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।